आइए विस्तार से सियासी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो। सबसे बड़ी सियासी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बदायूं में एक वारदात हुई और उसी को लेकर राजनीति अब गर्मा गई। दरअसल 2 बच्चों की हत्या कर दी गई, जो जानकारी मिल रही है बड़ी बर्बर तरीके से दोनों की हत्या हुई है और इसी को लेकर अब राजनीतिक उबाल जोर पर है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ रहा है। हालांकि इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची। केशव प्रसाद मौर्य ने नसीहत दी है, समाजवादी पार्टी बदायूं मामले में राजनीति ना करे। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई वारदात को लेकर अब जमकर राजनीति हो रही है। आर पार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में छिड़ गया। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो इस वारदात को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, ये कहते हुए कि चुनावी समय में माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की वारदातें खुद बीजेपी की तरफ से करवाई जा रही हैं और इसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। ये केशव प्रसाद मौर्य का जो पोस्ट किया है उन्होंने एक्स पर, वो आप देख रहे हैं। लिखते हैं, समाजवादी पार्टी में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है, बदायूं मामले में राजनीति ना करें। वैसे सपा और अपराधियों का संबंध यूपी का बच्चा बच्चा जानता है, ये बहुत पीड़ादायक जघन्य अपराध है। 2 अबोध बच्चों की निर्मम हत्या की गई, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है केशव प्रसाद मौर्य। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। घर में घुसकर 2 मासूम बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है। कल रात ही एक आरोपी साजिद एनकाउंटर में मारा गया। बच्चों की हत्या का दूसरा आरोपी जावेद अभी तक फरार है। सरकार कह रही है पुलिस ने इस मामले में ठोस कार्रवाई की है। पुलिस का होता, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी, उसको पकड़ा, उसके पीछे भागे और उसके साथ वो भाग रहा था, उसमें उसने जो भी था, घटना पूरी नहीं पता मगर एनकाउंटर हुआ, तो पुलिस ने ठोस कार्रवाई करी। और दूसरा जो उसका जो सहयोगी है या साथी है या भाई है, जो भी है, वो जो भागा हुआ है उसको पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। तो बदायूं की ये वारदात और इस पर कांग्रेस ने भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बदायूं की घटना खराब प्रशासन का सबूत, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। सर, उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक घटना सामने आई जिसमें 2 बच्चों की गला रेतकर निर्ममता से हत्या कर दी, आरोपी का एनकाउंटर भी पुलिस द्वारा कर दिया गया, इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? हृदय विदारक पीड़ा ऐसी हो रही है, मन सिहर जाता है। 2 मासूम बच्चों का क्या दोस्त, सगे भाई थे, कानून को अपना सर्वाधिक जो दंड हो सके दिया जाना चाहिए, जो बचे हैं उनको और पूरी घटना को। परंतु ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई। दिन दहाड़े कोई पड़ोसी भी आके इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। और 2-2 हत्याएं, एक छोटा बच्चा, उसकी उंगली में चोट लगी, अगर वो नहीं भाग जाता तो ये 3 आरोपी का एनकाउंटर हो ही जाता है, एक और एनकाउंटर, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एनकाउंटर की सारी जांच पे सामने आ जाएंगे तथ्य, उसके बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अभी तो पुलिस का वर्जन है, वो उन्होंने कहा हम पे गोली चलाई, मारे गए। इसी पर चर्चा करेंगे हम और वो सवाल जिसको लेकर बात शुरू करेंगे। सवाल आपके सामने ले आते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बदायूं में जो वारदात हुई है, तो बदायूं में सनसनीखेज वारदात, कौन बिछा रहा है चुनावी बिसात? जिस तरीके की सियासी वार पलटवार का खेल शुरू हो गया अभय जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो इस तरह की घटना पर जिस तरह से सोचता हूं वो थोड़ा सा अलग हटके है। मैं ये मानता हूं कि इस मामले में एक सर्वदलीय, आजकल चुनाव का माहौल है, जो मैं कह रहा हूं उसको कोई सुनेगा नहीं, लेकिन ये कहना जरूरी है, वो ये है कि इस तरह की घटनाओं के ऊपर एक सर्वदलीय सहमति होनी चाहिए कि इसको, इनको राजनीति से अलग रखा जाए। और ये कानून और व्यवस्था का मसला है, सामाजिक तनाव भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। इसमें मुझे घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, धीरे धीरे और घटना के पेज खुलेंगे। और इसको कानून व्यवस्था का मसला बनाकर, मसला उस श्रेणी में डालकर इसकी ठीक से जाँच पड़ताल हो, दोषियों को सज़ा मिले, जो एनकाउंटर में मारा गया है और जो बच गया है उसको भी पकड़ा जाए, उसको बाकायदा मुकदमा चलाकर उसको सजा मिले, या जो भी उसकी स्थिति बने,
वो होना चाहिए। इसके ऊपर जो हो रहा है उससे इस घटना के ऊपर असल में पर्दा ही पड़ जाता है। सही। उस घटना का जो असली कारण है, जो उसका रहस्य है, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, ये चीजें बाहर नहीं निकल पाती। आपको जी, आपको क्या लगता है, मतलब ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, लेकिन जिस तरीके के राजनीतिक बोल सामने निकल कर आ रहे हैं, चुनावी नफा नुकसान का मादा रखता है? देखिए, अभी जो भी घटनाएं होंगी उसके सबके चुनावी नफा नुकसान देखे जाएंगे और सबसे और जितनी प्रतिक्रियाएं होंगी वो चुनावी नफा नुकसान पे होंगी। अभय जी बहुत आदर्श की बात कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक होगी, सर्वदलीय दल जाए वहाँ, लोगों को समझाए बैठ करके, लेकिन अब वो स्थितियाँ नहीं हैं। चुनाव के दिनों में छोटी सी घटना होगी, अब देखिए मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है, हिंदू एक दोस्त, दो दोस्त हैं, दो जानने वाले हैं, एक आदमी उसकी वाइफ के पास जाता है, भाभी भाभी कहता है, पैसे लेता है, भाभी पैसे दे देती है, फिर ऊपर जा कर के दोनों बच्चों का, तीन बच्चे होते हैं, दो बच्चों को अपने से रेत देता है और फिर भागता है, तब तक हंगामा मचता है और फिर दो ढाई घंटे में, और उसमें और तो और पुलिस आईजी कहते हैं कि नहीं नहीं एसएसपी थे कि तुम खुद उसको जाके करो, और एसएसपी खुद उसको करते हैं और एक बच्चा, एक जो लड़का है वो मार दिया जाता है, दूसरा लड़का फरार हो जाता है। ये इतनी घटना इतनी सामान्य नहीं है जितनी सामने दिखती है। इसके पीछे क्या कारण है, जब तक हम वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्या 5,000 रुपये का ही मामला था या लेन देन पहले का कुछ था, इतनी बड़ी तैयारी होकर के आए और फिर उसके बाद में तय है, अब यहाँ से वो चुनावी रंग शुरू हो जाता है, दुकान में आग लगा दी जाती, जिस लड़का मारा गया या जो उसके साथ जो जिसका इनकाउंटर किया गया, जो उसके साथ भागा था उसकी दुकान में आग लगा दी जाती, यहाँ से वो तनाव बढ़ता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या, मूल जब तक नहीं पता लगेगा, हर घटना में पहले पुलिस को मूल तलाशना चाहिए, मारना एकदम से बहुत अच्छी बात नहीं, में तो वक्त लगता है ना, नहीं ये तकनीकी, लेकिन राजबिहारी जी राजनीति करने में समय नहीं लगता, वक्त लगता, एक वारदात होती है और उसको लेकर सियासी आरपार शुरू हो जाता है, चुनावी माहौल है तो जाहिर सी बात है यही नफा नुकसान देख रहे हैं नेता। बिल्कुल, अभी चुनाव शुरू हो गया है तो ये राजनीति होनी है, अगर चुनाव ना भी होता तो भी राजनीति वहाँ होनी ही थी, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है और ये घटना एक दहशत फैलाने वाली घटना है, समाज में आतंक मचाने वाली घटना है, लेकिन ये एक पारिवारिक मामला उसका माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उसका परिवार में आना जाना था, वो अपने सामान भी उनके घर पे ही रखा करता था, जो भी लेन देन रहा होगा, लेकिन जिस तरह से बच्चों को मारा गया है वो वास्तव में एक आतंक फैलाने वाली घटना है, और पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है उस पर जनता का कहना है कार्रवाई पुलिस ने बहुत तेज़ी में की और अच्छी की है, और अगर पुलिस ऐसी वारदातों पर अगर इस तरह अपराधियों को सजा देने लगेगी तो उसका जो भी अपराध करने वाले लोग हैं उन पर एक असर पड़ेगा और समाज में अपराध की घटनाएं कम होने लगेंगी। ये पहले भी हुआ है, हमने पहले भी देखा है कि जब कल्याण सिंह का राज था या बीजेपी का जो पहला राज था, दूसरा राज था, उसमें भी बहुत बड़ी संख्याओं में अपराधियों को एकदम एनकाउंटर करके लगातार मारा गया था, और ख़ासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पुलिस को ये ऑर्डर था कि वारदात होते ही अपराधियों पर काबू पाने के प्रयास किए जाएं, अगर जहां मौका लगे उनको उड़ाने में भी कोई संकोच न किया जाए, इसलिए कई सारी ऐसी वारदातें भी हुई, पुलिस पर भी सवाल उठे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन ये जो मामला है इस पर निश्चित तौर पे जी सरकार अपना पक्ष तो रख ही रही है। देखिए वारदात हुई, वारदात को रोका नहीं जा सका क्योंकि ये कोई संगठित अपराध नहीं था, ये अचानक वारदात हुई और अपराधी को मार गिराया गया, तो सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन विपक्ष भी चुनाव में इस मामले को भुनाने की कोशिश करेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों पर काबू पाने में नाकाम रही है। नहीं, विपक्ष तो इससे दो कदम आगे है, विपक्ष तो कह रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आरोपी पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है वो एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने के लिए सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, बीजेपी इस तरीके की खुली छूट गुंडों को दे रही है कि वो ऐसी वारदात को अंजाम दे ताकि समाज का जो ताना बाना है वो बिगड़े और चुनावी फायदा बीजेपी को मिले, ये आरोप है जो विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। इस बीच देखिए, इस बर्बर हत्याकांड पर कांग्रेस योगी सरकार पर सवाल उठा रही है, बीजेपी कह रही है गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा और विपक्ष बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रहा है। देखिए क्या वहाँ की सरकार और वहाँ का कानून हर तरीके से मजबूत है, गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा और बेगुनाहों को कभी छेड़ा नहीं जाएगा, इसलिए हमें निश्चिंत रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के मामले के अंदर कोई भी आदमी किस प्रकार सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है या बेगुनाहों को मारना चाहता है तो कानून अपना काम करेगा। तो
तो राज्य सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन विपक्ष राज्य सरकार को घेरने का ऐसा लग रहा है प्रोफेसर चंद्रचूड़, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। रुमाला जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, उससे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो इस घटना से जो मतलब के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि ये निर्ममता, बर्बरता और जघन्यता, इसके अतिरिक्त मेरे मन में कोई और शब्द नहीं आ रहा इस घटना के लिए। मुझे लगता है कि राजनीति समाज के लिए होता है, राजनीति समाज पहले है फिर राजनीति है, और समाज जिन मान्यताओं पर आधारित होता है उसमें चाहे कारण जो भी रहा हो, इस प्रकार की घटनाओं का, इस प्रकार के कृत्यों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो दुबे जी ने कहा वो बात सच है कि इसमें ना तो इस तरफ से ना तो उस तरफ से, ये मुझे लगता है कि ये एक प्रश्न जो है उस प्रश्न पर विचार किया जाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से किसी अबोध बच्चे की हत्या किसी की भी हो वो गलत है, पर इस प्रकार की हत्या, इसका कोई सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। सर, मैं तो इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये जो पिछले कुछ सालों से एक चलन शुरू हुआ ना कि जब वारदात हो जाती है तो उस वारदात के अंदर आरोपी और पीड़ित पक्ष के धर्म तलाशे जाते हैं, और फिर धर्म देखकर अपराधी का कोई धर्म नहीं है, अपराधी का कोई धर्म, तो लगता है कि इसकी वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है कि आप वारदात को वारदात के तौर पर ना देखकर उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकालकर उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। भले ही इससे आपकी राजनीति को फायदा मिल जाए, लेकिन समाज के हित में तो ये कतई नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।